मेरे को एक्चुअली दो इवेंट्स में जाना था एक तो शादी थी मेरे कजन की तो उसमें लाइक चार पांच दिन का वो इवेंट था एंड एक विशलिंग का जो इवेंट हुआ था क्रिएटर इवेंट मुझे वहां जाना था तो उसके लिए मैंने अपने नेल्स करवाने का सोचा कि यार थोड़ा सा न्यू कुछ होना चाहिए लाइक आई एम ट्राइंग सो मेनी न्यू थिंग्स तो एक्सटेंशन भी हम करवा ही लेते हैं सो so, मैं रोहिणी में एक यूनिटी वन नाम का मॉल है जहां पर मैंने बहुत बार देखा था कि वो नेल्स वगैरह वाले पार्लर टाइप का एक बना रखा है सेक्शन तो मैं वहां पर गई आई मेंशन ऑल देयर डिटेल्स देर प्राइसेज

डिजाइन लाते हो तो उसके चार्जेज अलग होते हैं तो मैंने ये वाला डिजाइन चूज करा था जिसके बारह सौ रुपए थे वो उनका बेस चार्ज होता है लाइक उसमें वो आपके एक्सटेंशन करके देते हैं प्लस अगर कोई भी आपको कलर करवाना है सिंगल लेयर वाला जो कलर होता है सॉलिड कलर वो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं एक नेल पेंट तो आप वो टचअप वगैरह करवा सकते हो अगर आपको बिना किसी डिजाइन के

पूछा भी था कि मतलब ये इतनी नेल लेंथ ठीक है तो उन्होंने बोला कि हाँ मतलब ठीक है अगर आपको इवेंट वगैरह में जाना है तो इट्स लाइक ओके बिकॉज इवेंट्स में अच्छे लगते हैं नेल्स एंड वाकई बहुत प्यारे लग रहे थे तो so, या उन्होंने नेल्स कट करे एंड देन उसके बाद उन्होंने बफ करा दोबारा से प्रॉपर क्योंकि जब आप नेल बेड के ऊपर लगाते हो ना तो वो अलग से दिखता है मतलब एक ऐसा स्टेयर टाइप का बन जाता है विच लुक्स वेरी ऑर्ड तो so, उन्होंने जब जेल लगाया उसके बाद भी उन्होंने काफी बार बफ करा ड्रिल मशीन सी थी उनके पास उससे बफ कर रहे थे बार बार जेल लगा के मेरे को वो ब्लू वाली उसमें डाल रहे थे

टॉलरेंस काफी ज्यादा है तो मेरे को भी काफी पेन हो रहा था आई वॉज लाइक बस कैसे ना कैसे मैं निकाल लू बिकॉज इट्स लाइक पिंचिंग मी तो उन्होंने निकालते ही वो काफी अच्छे से कर करते थे उनके हाथ बहुत तो वो बिल्कुल अपना हाथ जो है मतलब अपने फिंगर्स लगा देते थे तो मेरे को काफी ज्यादा रिलीफ मिल रहा था बट स्टिल इट वॉज नॉट समथिंग दैट आई वुड वॉन्ट टू एक्सपीरियंस अगेन सो या वो सब करने के बाद दे मूव ऑन टू माई नेल एक्सटेंशन का पेंटिंग एंड दैट वॉज द बेस्ट पार्ट लाइक इट दे वॉज सो क्रिएटिव एंड इतना फाइन ब्रशेज वो यूज कर रहे थे उन्होंने पहले एक बेस कोट लगाया था विच वॉज वेरी लाइट पिंकिश कलर विजिबल होगा तो ऑन टू मार्बल पेंटिंग लगाई एक बहुत लाइट व्हाइट था एक फिर मीडियम वाइट था फिर एकदम प्रॉपर ओपेक व्हाइट कलर उन्होंने यूज करा ताकि शेडिंग वाला इफेक्ट आए एंड बहुत ही प्यारा मेरे को आउटकम मिला जो गोल्ड फॉइलिंग उन्होंने करी जो गोल्ड से पार्कल्स दिए इट वॉज अ

मैं आपको एक्सपीरियंस दोबारा से शेयर कर रही हूँ ना तो मेरा मन कर रहा है कि यार मैं दोबारा से करवा लू लाइक इट वॉज यूज कर रही थी मुझे प्रॉब्लम आई वॉज नॉट एबल टू जिप एनीथिंग अप लाइक अगर मैं जैकेट पहन रही हूँ तो जिप करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है बटन बंद करने में प्रॉब्लम आ रही है हुक लगाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है मेकअप करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी मुझे बट लाइनर लगाने में लिखने मैं तो लिख ही नहीं पा रही थी मैं इवन वोट देने गई थी तो बोटिंग का जो डेज थे वो भी उसी टाइम पे पड़े थे जब मेरे नेल्स एक्सटेंशन प्रॉपर अपने फुल फेज में थे तो जब उधर साइन करना होता है आई वॉज नॉट एबल टू साइन लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था कि भैया अंगूठा लगवा लो क्योंकि साइन तो नहीं हो पा रहा एंड द पर्सन वॉज ऑल्सो लाफिंग के यार इतने लंबे नेल्स कर रखे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि फेक है या क्या तो दे वर ऑल्सो लाफिंग एंड उनकी स्माइल वही वाली थी कि इतने लंबे नेल्स कर रखे हैं फैशन के मारे कुछ काम वाम नहीं हो रहा है तो इट वॉज वेरी फनी बट इट वॉज वेरी एम्बेसिंग ऑल्सो कि मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा है आई वॉज नॉट एबल टू प्लान स्टफ लाइक जर्नल मैं करती हूँ तो जर्नल में भी इतनी बुरी राइटिंग आ रही थी एंड आई लाइक भाई दो चार दिन रहने देते हैं थोड़े तो दिन की बात है फिर मैं हटवाई आऊंगी बिकॉज आई वॉज सुपर टायर्ड एंड इतना डर लगता था कुछ भी उठाने में एक बार हुआ था मैं सब्जी लेने गई हुई थी मम्मी के साथ एंड प्लास्टिक का जो बैग था वो गलती से मेरे फिंगर से स्लिप होके मेरे नेल्स पे आ गया लिटरली वॉज लाइक दिस के भाई क्या हो गया मतलब मुझे ऐसा लगा कि निकल ही जाएगा नाखून और उस लेडी ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि अगर ये नेल निकला तो आपका नेल साथ में जाए आएगा, मतलब क्योंकि ये सुपर ग्लू होती है उनकी कुछ तो ऐसी भयंकर ग्लू है कि इतना कसके वो प्रेस हो रखा है कि अगर मेरा नेल ये टूटा ये टूटेगा नहीं पहली बात तो क्योंकि जेल एक्सटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो तभी करवाना जब आप ऐसे थोड़े नॉर्मल से इंसान हो मतलब मेसी अगर आप हो एंड uh, आप बहुत ज्यादा केयर्टिक हो तो आपके लिए नेल एक्सटेंशन नहीं है बहुत छोटे अगर आप नेल लेंथ करवाओगे तो शायद फिर भी हो जाए क्योंकि नेल से सब कुछ पिक हो रहा था तो मैं उन्हीं से कोशिश कर रही थी कि पिक हो जाए एंड शैम्पू करने में इतनी दिक्कत आ रही थी नहाने में इतनी दिक्कत आ रही थी इट वॉज अ टोटल मेस बस जैसे तैसे मेरा इवेंट निकला है शादी निकली है एंड शादी से हम डेली वापिस आए एंड अगले ही दिन मैं गई हूँ उसी पार्लर में मैं गई फोर हंड्रेड रुपीज मेरे को देने पड़े उन्हें लाइक रिमूव करवाने के अंदर रिमूवल सुपर पेनफुल पेनफुल लाइक इतना इतना मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं देखा है अपनी जिंदगी में ना ही मैंने फील करा है इट वॉज समथिंग वेरी बहुत ही बहुत ही दर्दनाक मतलब बहुत ही बकवास एक्सपीरियंस था मैं तो कहूंगी सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा था क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है तो उसमें होता है क्या कोई एक एल्कोहल का कुछ वो होता है डिप uh, टाइप का तो उसमें आपके नेल्स वो डिप करके रखते हैं एंड वो नेल एक्सटेंशन गल जाते हैं और वो आराम से निकल जाते हैं लाइक like, मेरी फ्रेंड है तितिक्षा उसने तो घर पे निकाल लिए थे तो आई वॉज लाइक ये तो बहुत ईजी होता होगा लेकिन नहीं मैं बाहर गई मैंने चार सौ रूपए भी दिए एंड वो नेल एक्सटेंशन रिमूव करवाने में मेरी सही में नानी याद आ गई मुझे अपनी लिटरली वो एक एक पहले तो एक्सटेंशन उन्होंने मेरे काटे वो काटने में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे बिकॉज तो वो हल्का सा नो पिंच सा होता है मतलब वो इतना कुछ नहीं था वन आउट ऑफ टेन आई वुड रेट पेन फिर उन्होंने नेल एक्सटेंशन को ड्रिल करना चालू करा एंड वो ड्रिल कर रहे थे तो वो ड्रिल करते करते अब नेल एक्सटेंशन है और कहाँ पर मेरा खुद का नेल है उन्हें कैसे पता चलेगा तो दे ऑल्सो ड्रिल्ड माई नेल मतलब मेरे नेल बेड और मेरा जो नेल है वो इतना पतला हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ड्रिलिंग तो मैंने उन्हें बोल दिया कि भाई ड्रिल मत करो क्योंकि पता कैसे चलेगा आपको कहा डिफ्रेंशिएट करना है कहाँ तक आपको ड्रिल करना है यू डोंट नो क्योंकि वो एक ही हो रखा है नेल एक्सटेंशन प्लस जो नेल है वो जुड़ा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा क्योंकि देखने में भी वो सेम ही लगते हैं। तो चलो ठीक है हम दूसरी तरीके से रिमूव कर लेते हैं एंड दैट थिंग दैट दूसरा तरीका वॉज सुपर डुपर पेनफुल लाइक बहुत ही बहुत ही भयंकर उन्होंने क्या करा नेल एक्सटेंशन और मेरे नेल के बीच में ढूंढना चालू करी जगह एक अपना नॉर्मल वाला नेल निकाला जो न्यू नेल था फ्रेश नेल था वो निकाला एंड दे स्टार्टेड टू पोक बिटवीन माय नेल एंड द नेल एक्सटेंशन तो अब इतनी अगर स्ट्रॉन्ग ग्लू लगी हुई है तो कहां से जगह मिलेगी बट जैसे तैसे करके वो बफ करके बार बार बफ कर रहे थे वो ताकि कुछ दिखे उन्हें एंड देन देवर पोकिंग एंड मतलब बहुत ही भयंकर और वो इतना दर्द कर रहा था लाइक जैसे ही वो उसे छुड़ा रहे थे ना वो उसे मतलब ग्लू हटा रहे थे वो जस्ट सुपर पेनफुल लाइक

डन अब मुझे नहीं करवाना है ये सब तो उन्होंने वो वैसे ही छोड़ दिया क्या क्या मतलब, तो कसम खा ली है कि मैं नहीं least, मैं एक दो महीने तक तो अपने पे भी नहीं लगाने वाली हूँ बिकॉज बहुत ही बुरे सदमे से गुजरे हैं मेरे नाखून एंड आई जस्ट डोंट टू वॉन्ट कुछ भी ऐसा हो इट्स बिन आई गेस इट्स बिन ऑलरेडी वन एंड हाफ मंथ एंड मैंने ऑयल के अलावा कुछ भी नहीं लगाया अपने नेल्स पे और मैंने टेंथ दिसंबर को ये निकलवाए थे नेल्स एंड आज है चार जनवरी एंड आज तक मेरे नेल्स टूटते हैं मतलब मैं बढ़ा ही नहीं पा रही हूँ अपने नेल्स बिकॉज वो बढ़ने के साथ ही वो टूट जाते हैं मेरे बाल अगर मैं बालों में हाथ डाल रही हूँ तो बाल फंस जाते हैं मेरे नेल्स के अंदर एंड इट्स जस्ट लाइक वेरी पेनफुल आई नो बहुत अजीब सा लग रहा होगा सुनने में भी बट मैं गुजर रही हूँ उस सदमे से उस दर्द से भाई बहुत बेकार है मतलब मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी किसी को भी कि इतनी लंबी नेल करवाओ एंड अगर करवा रहे हो तो बहुत अपने लाइक नॉर्मल लेंथ के करवाओ या हल्के से उससे ज्यादा करवाओ क्योंकि वो ना ग्रो भी उसी हिसाब से होगा लाइक अगर आपने इतने लंबे नेल्स करवा लिए हैं तो वो ग्रो होकर इतने लंबे हो जाएंगे विच वुड बी वेरी वेरी लॉन्ग सो या अपने नेल्स के हिसाब से करवाओ एंड ऑल्सो वन टिप जो उन्होंने मुझे दी थी मैंने बहुत फ्रेश नेल्स थे मेरे फ्रेश नेल एक्सटेंशन थे और मैं उन्हें रिमूव करवाने गई थी तो ज्यादा दर्द हुआ था उन्होंने मुझे यही बोला था कि अगर आपके नेल एक्सटेंशन लाइक ग्रो हो जाते हैं थोड़े से एंड तब आप उन्हें करवाते हो तब आप उन्हें निकलवाते हो तो कम दर्द होता है बट मेरे बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुए थे मैंने ज्यादा से ज्यादा वो आठ से दस दिन रखे थे नेल एंड आई तो उन्होंने इसीलिए बोला था कि अगर आप इसे पंद्रह से बीस दिन बाद निकलवाओगे तो ये ज्यादा अच्छे से निकलते भी है प्लस इतना ज्यादा पेन भी नहीं करते हैं बट बिकॉज देर वॉज नो डिस्टेंस क्यूटिकल और मेरे नेल एक्सटेंशन में डिस्टेंस ही नहीं था तो वो निकाल भी नहीं पा रहे थे मतलब उनकी भी खुद की गलती नहीं है मैं बहुत फ्रेश नेल्स रिमूव कर

फ्रेंड्स मेरे रिलेटिव में भी बहुत सारे लोग है जो बहुत टाइम तक करवाते रहते करवाते रहते एक हटवाया दूसरा आ गया आई रियली डोंट नो हाउ दे डू इट एंड इफ यू हैव एनी एनी और मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है क्योंकि इतने खराब कैसे हो गए मेरे रिल्स लाइक आई कैन स्टिल सी द द्रैचेज एंड द बफिंग एंड एवरी थिंग एंड इट्स बिन लाइक वन मंथ ऑलरेडी बट अभी भी मुझे वो दिख रहा है तो या प्लीज लेट मी नो व्हाट वेंट रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नो समथिंग सो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा मुझे करवाने का मन तो है क्योंकि अच्छे तो लग ही रहे थे बट आई डोंट वॉन्ट के मेरा एक्सपीरियंस इसी वाली की तरह रहे सो या दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड दैट वॉज माई हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस ऑफ नेल एक्सटेंशन मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है नेल एक्सटेंशन के दौरान लाइक नेल एक्सटेंशन की आप स्टोरीज मेरे को बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन आई वुड लव टू रीड दम ऑल जस्ट ताकि मैं ये जान पाऊँ कि भाई मैं अकेली नहीं हूँ इस दर्द में सो so, या yeah, अगर आप भी मेरे साथ है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन Your stories, and I'll see you soon in my next video. Till then, stay safe, stay happy. I love you all so much. Bye.